अमिक भट्टाचार्य सामिक भट्टाचार्य अच्छा ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद हमको अवसर मिला हम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण का स्वागत करते हैं लेकिन मैं पश्चिम बंगाल से हूँ जब छात्रावस्था में था तब जनता एक्सपेरिमेंट को फेल होते देखा तब पूरा हिंदुस्तान में एक ही आवाज था वोट उसी को दो जो 5 साल सत्ता में रह सके वन हु कैन गवर्न श्रीमती गांधी की तस्वीर था उसका बाद क्या हुआ सबका जानकारी में है राजीव जी कलकत्ता गए चारों तरफ पोस्टर लगे टुडेज लीडर टुमारोज होप और हम लोग जो पश्चिम बंगाल में बड़ा हुआ हम लोग यही सुनते सुनते बड़ा हुआ जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चापेर कछे माथा नौतो करे कांग्रेस सरकार बजट तैयारी विरुद्धाचारण करे सीपीआईएम के वोट दी वर्ल्ड बैंक के निर्देशावली मेने नहीं है भारत श्रम नीति शिल्प नीति परिचालना करवार जन्य कांग्रेस विरुद्ध सीपीआईएम के वोट दें जो हो रहे थे व्हाट वाज हैपनिंग एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ड्रिवन सब यूएसए के दबाव नीचे आकर काम कर रहे थे हम लोग यही सुनते सुनते बड़ा हुआ कांग्रेस का वो स्लोगन न जात पर न पात पर मोहर लगाइए हाथ पर और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हाथ पर मोहर लगाने के बाद हावड़ा की केंदुआ गांव में एक छोटा सा गांव उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ काट लिया था सीपीआई खुलेआम कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता था वो बोल रहे थे जो सीपीआई हमारा 50,000 कांग्रेस कर्मियों को खून कर दिया मर्डर कर दिया और साथ साथ सीपीएम का कहना था जब पिछले दिनों में 10,000 सीपीआईएम कार्यकर्ता कैडर का बलिदान हो गया कांग्रेस का कारण आप पश्चिम बंगाल की किसी भी कोने में चले जाइए छोटा छोटा आपको शहीद वेदी मिलेगा और उसका नीचे में लिखा हुआ है कमरेड अमर रहे खून कौन किया कांग्रेस की गुंडाओं ने इसको मार दिया सलाना एक बार उसका सामने खड़ा होकर रेड सैल्यूट देता जो जिंदगी भर कांग्रेस का आर्थिक नीति का आलोचना किया आज खाड़गे जी का सामने है मैं वही बोलना चाहता हूं ये क्या हुआ हुआ क्या किसका साथ आप लोग समझौता करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं जो लोग को भी भारतवर्ष को 28 टुकड़ों में बांटकर ब्रिटिश को स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव दिया था आज हवा की साथ साथ घटा की संग संग ओ साथी चल एक साथ में आप लोग चले गए आप लोग किसका बारे में बात कर रहे हैं अरे तृणमूल कांग्रेस का जन्म किस लिए हुआ तृणमूल कांग्रेस तो खुलेआम ममता जी बोलते थे जे कांग्रेस वर्किंग एज अ बी टीम ऑफ सीपीआईएम आज पश्चिम बंगाल की सत्ता में सीपीआईएम है कांग्रेस इसको रख दिया इन ए क्लैंडेस्टाइन मैनर उसी का कारण तृणमूल का जन्म हुआ तृणमूल कांग्रेस को 8 साल लगा ये समझने के लिए जो भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है आप लोग पहले समझ गए आ रहे मैं सर आई वुड जय संविधान आपका साथ है मैं जय संविधान इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद करिए नेहरू जी के स्पीच The state will be neither religious nor irreligious, but it will be free from all religious dogmas and doctrines. Sahabanu mamla ke samay bhool gaya tha kya? Nehru ji ka baat? 42nd amendment. Kya Pandit Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, aur secular sabse socialism sabse parichit nahi tha? Kaun sa tarike se? 42nd अमेंडमेंट हुआ और आपने उसको घुसा दिया
अरे जो लोग साथी इधर बैठे हुए हैं, जो लोग आज बोल रहे हैं मोदी जी को फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, अरे मोदी एक सोच है, उस सोच को आप मार नहीं सकते। कौन सा सेफ्रोनाइजेशन का बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का सामने खड़ा होकर? 19 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस, पिथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट, सेंचुरीज बिफोर पिथागोरस। खागड़े जी आपका पास तो मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूं आपका पास। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 200 कार्यकर्ता कब मौत हो गया? 2016 से आज तक, पिछले चुनाव में से लेकर अभी तक ना कार्यकर्ता मारे गए, उसमें 80% एससी एसटी कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी का है। क्या आपने एक बार भी ट्वीट किया? खड़गे जी हमारा बात तो छोड़ दीजिए, अरे आपका पार्टी का कार्यकर्ता पिछले पंचायत चुनाव में 10 कार्यकर्ता का मौत हो गया, इसका स्टेटमेंट किया ओपन अधीर रंजन चौधरी ने, एक भी ट्वीट किया आपने? कोई कांग्रेस काला नेता एक भी ट्वीट किया ये निधन था? वो अधीर रंजन चौधरी का बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस अधीर रंजन चौधरी विपरीत स्थिति में कांग्रेस को चिता कर लाए थे, सिर्फ अपने आप को नहीं। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का चुनाव का मैनेजर होता भट्टाचार्य जी, प्रणब मुखर्जी जी एक मिनट सर, एक मिनट, अजीत रंजन चौधरी इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, सो ही कांट डिफेंड हिमसेल्फ, सो इफ यू आर टेकिंग इंडिविजुअल्स नेम ही इज नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ, सो ओके यू फिनिश इन 30 सेकंड। सर हम अधीर रंजन चौधरी का बात करते हैं, वो बड़ा नेता है सर, हमारा प्रदेश से आते हैं। आई हैव एवरी राइट टू मेंशन हिज नेम इन दिस ऑगस्ट हाउस। सर एक बड़ा नेता है कांग्रेस का। हाँ बल रूल से जाना पड़ेगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं आपको। सर अधीर रंजन चौधरी को पिछले म्युनिसिपल चुनाव में मैनेजर किया था पश्चिम बंगाल का भीतर। सर हम तो ठीक है, सर ठीक है मैडम, खत्म, आपका टाइम निकल जाएगा ना, आप खत्म करिए ना जल्दी, अब 2.5 मिनट एक्स्ट्रा बोल गए, 2.5 मिनट ज्यादा बोल गए, जल्दी खत्म करिए। ठीक है सही भट्टाचार्य जी, यू फिनिश ऑलरेडी, नाम नहीं ले रहा हूँ भाई साहब, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स मोर, थोड़ा थोड़ी करें दादा, थोड़ा थोड़ी। क्या हाल है जनाब का, क्या ख्याल है कांग्रेस का, वो भी तो सोचना चाहिए। सर कास्टिज्म डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन, हमारा पश्चिम बंगाल इस छूत मार्ग से अलग है, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी और ये कास्टिज्म से। हम लोग बचपन से ही सुना, जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार दीजिए उच्चते, वेद भाषा भवेद विप्रो ब्रह्म गायन थे ब्राह्मण। काल खड़गे जी का भाषण सुन रहे थे, अरे बहुत सारे ऋषि भारत में पैदा हुए, उसमें एक भी मनु था, उन्होंने एक आंदोलन किया, करिया भी जो फिलीपींस में जो मनु जी का जो स्टैचू है उसको हटा दिया जाए, उन्होंने आकर जनता के सामने ये बोले, जिस भाषा से नेता विपक्ष देश की प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये सही नहीं है, और आपका जो स्थिति है, जो विपक्ष का स्थिति है, जो चुनाव लड़े उसका हिसाब एक ही था। जो हम लोग सर 1 मिनट टू कंक्लूड सर प्लीज सर, बोलो सर, हमारा कहना यही है, honorable member, when the chair says something, you must listen to the chair. Yes, sir. I have to make an announcement. Honorable members, it is now 6 p.m.
and the discussion has not been concluded. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today to allow few more speakers to participate in this debate. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Yes. Thank you. Conclude. सर मेरा कहना यही है कि आज पश्चिम बंगाल में SC/ST कम्युनिटी के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर आक्रमण चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 9 कार्यकर्ता मारे गए, एक मुस्लिम महिला का ऊपर अत्याचार हुआ। सर एक घटना बोलकर, सर एक शब्द बोलकर मैं हम कंक्लूड करना चाहते हैं। आज से 100 साल पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी का VC सर आशुतोष मुखर्जी हुआ करते थे। प्लीज कन्वोकेशन मीटिंग ही सेज मिनिस्टर्स में कम एंड गो, चैंसलर्स में प्लीज वुमेन पेरिश, बट माय यूनिवर्सिटी फेलो ग्रेजुएट्स योर यूनिवर्सिटी विल गो ऑन फॉरएवर। और उसी समय का महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल का श्री जगदीप धनखड़ जी आज आप यहां बैठे हुए हैं, आपको देखकर क्या बोला, जो स्टेट गवर्नमेंट डजंट वांट, वाइस चांसलर बोल रहे हैं आई मीट यू, दैट इज व्हाई यू आर नॉट अ वेलकम गेस्ट हियर। ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल का है। मैं भाई टोटल ब्रेक डाउन जयदेव भाई नाइक पीछे की सीट। माननीय सभापति जी।